नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड की जामताड़ा पुलिस ने दो ऐसे साथियों को धर दबोचा है जो चोरों से चोरी का सामान खरीदते और फिर उसे बाजार में बड़ी कीमत पर बेच देते। दरअसल जामताड़ा SP दीपक कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि जामताड़ा में दो लोग चोरी का सामान खरीदते बेचते हैं। इसके बाद SP ने पूरे मामले के खुलासे के लिए एक टीम गठित की। जल्द ही टीम ने रिजल्ट दे दिया और विवेक मंडल व मकबूल अंसारी को उनके ठिकानों पर छापेमारी कर धर दबोचा। साथ ही इनके घर से बड़ी संख्या में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है जिसे इन्होंने चोरों से खरीदा था। गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी जामताड़ा के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में आज हम लोग छापेमारी किए। छापेमारी के उपरांत भारी संख्या में हम लोग को सामान मिला। चोरी की गई काफ़ी संख्या में सामान हम लोग को बरामद हुई है। उसमें आप बहुत सारा चीज़ है, पंखा है, बजाने वाला हारमोनियम है, टुल्लू पंप है, टायर है, सिलेंडर है और LED स्क्रीन सब है। काफ़ी सामान है, तरह तरह का सामान हमें बरामद हुआ है और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम विवेक मंडल है और दूसरा का नाम मकबूल अंसारी है। ये दोनों जो है जामताड़ा के रहने वाले हैं। अब पुलिस इन दोनों साथियों की निशानदेही पर चोरों के उस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो इन साथियों को चोरी का सामान सप्लाई करते थे, ताकि इस पूरे गैंग को नेस्तनाबूद किया जा सके। एराइज न्यूज के लिए जामताड़ा से अरुणेश कुमार की रिपोर्ट।